हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ्स के पेपर में जो प्रश्न ना आए या ट्रिक लगाना पास हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि अगर मैथ्स के पेपर में आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो यह ट्रिक आपको लगा देना है, और अगर आप यह ट्रिक लगा देते हैं तो गारंटी है कि अब की बार जो है कि आप मैथ्स में बहुत ही अच्छा अंक लाएंगे, मैथ्स में तो जरूर ही पास हो जाएंगे। तो यह ट्रिक आप जरूर लगाना, यह ट्रिक अगर आप लगाते हैं तो अब की बार जो है कि मैथ्स में 90% से भी ज़्यादा ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर मैथ्स के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें क्या ट्रिक आपको लगानी है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे यह क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2000 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो यह क्वेश्चंस नहीं आ रहा आपको, तो इसको कैसे लगाना है, क्या ट्रिक लगानी है जिससे कि आप इसमें पूरा नंबर पा पाए और जो है कि मैथ्स के पेपर में पास हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप कॉपी लिखने जाएं तो यहां पर जो है कि सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी है। कॉपी के बीच में आपको क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। जो भी आपको प्रश्नोत्तर संख्या है वह आपको डाल देनी है और ऐसे काले लाइन से आपको जो है कि अंडरलाइन कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस प्रश्न को पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है या देखना है कि इस प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहां पर देखिए, 2000 रुपए दिया गया आपको, 4% वार्षिक ब्याज दिया गया है और 2 वर्ष के लिए दिया गया। तो यह आपको यह सब चीजें जो भी क्वेश्चन में दिया गया रहता है उसको आपको सबसे पहले नोट करना है। तो यहां पर आपको किनारे साइड में हल लिख लेना है, जो यह लाइन आप खींचेंगे उसके बगल में जो है कि आप हल लिखिएगा, और यहां पर जो है कि यहाँ पर आप क्या करिएगा कि यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा, और उसके बाद जो भी प्रश्न में दिया गया उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यह लिख लेना है कि मूलधन कितना दिया गया, मूलधन आपका 2000 रुपए दिया गया, 2000 रुपए लिख देना है, और उसके नीचे वाली लाइन में आपको ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज जो है यह 4% दिया गया है, तो 4% आपको वार्षिक लिख देना है इस तरह से। और उसके बाद दर कितना दिया गया, मतलब समय जो है कि आपको 2 वर्ष का दिया गया है, तो यह सब चीजें लिख देना है। तो इसको लिखने से क्या होता है कि आप मैथ्स में जानते हैं कि मैथ में जो है कि स्टेप मार्किंग होती है, तो यह सब अगर आप लिखते हैं तो अगर यह 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको इसी पर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स में जो है कि स्टेप मार्किंग होती है और जितना स्टेप आप लिखे रहते हैं उस पर नंबर आपको मिल जाता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन अगर है, इतना भी आप लिख दिए तो आपको 1 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि हमको नहीं आ रहा है कि हम इसको ना करें, तो इस पर जो है कि 1 नंबर तो आपको मिलेगा नहीं, पूरे 3 नंबर आपके कट जाएंगे। तो इसलिए इतना लिख देना। और उसके बाद अगर आपको साधारण जो है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला मालूम है तो यहां पर आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर आपको फार्मूला लिख देना है साधारण ब्याज का। अगर आप साधारण ब्याज का यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, इतना काम अगर आप कर देते हैं तो इस पर भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला लिखने का भी आपको आधा या 1 नंबर जरूर मिल जाता है। तो इतना जो है कि जितना भी आपको आ रहा है उतना आप कर दीजिए, और उसके आगे का अगर नहीं आ रहा है तो आप यह काम करिए कि इसके आगे जो है कि गलत ही कुछ लगा दीजिए, लेकिन लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप इसके आगे भले ही आपको नहीं आ रहा है तो गलत ही स्टेप लगा दीजिए, लेकिन लगा दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वह समझ जाएगा कि यह जो लड़का है यह लगाने का प्रयास किया लेकिन यह गलत हो गया, तो उस पर भी जो है कि आपको नंबर दे देता है। तो इसलिए आपको यह काम करना है, जो भी प्रश्न नहीं आए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें दी गई हैं सबसे पहले उसको लिख देना है, और उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा यह ध्यान आ रहा तो उसको लिख देना है, अगर नहीं आ रहा तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और उसके बाद इसके आगे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ही गलत हो लेकिन आप सॉल्व जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, इतना काम आपको करना है। अगर मैथ्स के पेपर में ऐसे प्रश्न को लगाते हैं तो इतना गारंटी कि आप देखेंगे कि जितने नंबर का पेपर आपका सही था उससे जो है कि 10 से 15 नंबर आपके जरूर बढ़ करके आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे में जो है कि स्टेप मार्किंग वगैरह होती है। तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप यह ट्रिक लगाते हैं, या मैथ्स में ही नहीं, कोई भी आपका पेपर हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी पेपर हो, उसमें भी यह ट्रिक लगा सकते हैं और उसमें भी जो है कि अच्छा खासा नंबर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।